तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों हम आ चुके हैं, तो इस जगह का नाम क्या अभी हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं। इस टाइम हम आ चुके हैं नर्सरी गार्डन, यानी कि जो पेड़ पौधे फूल वगैरह जो बेचे जाते हैं वहाँ पर। तो हम चलते हैं, थोड़ा भैया पूछ लेते हैं इस जगह के बारे में। और इस जगह का नाम क्या है भैया? निशान पार्क, जहाँ पर ये नर्सरी का आपका गार्डन क्या बोलते हैं, नर्सरी गार्डन वगैरह ना, जहाँ पर पौधे वगैरह बेचे जाते हैं ना, गमले सब। तो भैया हमको बताएंगे यहाँ का, जैसे कि क्या है, कौन सा फूल है। जैसे कि हमें भी उतना खास अभी फूलों का नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, इसलिए हम उतना हमें जानकारी नहीं है। तो हम भैया से गाइड लेंगे, क्योंकि इनका ये जो है कि गार्डन है। तो ये हम यहाँ का बताएँगे कैसे, कौन सा कौन पौधा है, क्या नाम है पौधे का। तो चलिए बताते हैं और आपको दिखाते हैं। तो चलिए हमें भैया बता रहे हैं कौन सा कौन क्या पौधे का क्या नाम है। भैया इस पौधे का क्या नाम है? इस पौधे का क्या नाम है? क्रिसमस ट्री, एरोकोरिया। ये जो आप देख रहे हैं ये क्रिसमस ट्री है। इसको और क्या बोलते हैं? एरोकेरिया, एरोकेरिया जिसको बोलते हैं। और इसके जस्ट बगल में है, आप ये देख सकते हैं, ये कौन सा फूल है? इंग्लिश गुलाब है, ये बटन रोज है। हाँ, और वो इंग्लिश गुलाब है बड़े फूल वाले। हाँ, वो इधर वो देसी गुलाब है। ये आप जो देख सकते हैं ये देसी गुलाब है। और जस्ट इसके बगल में आप कितनी खूबसूरत, कितनी अच्छी अच्छी फूलें लगी हुई हैं, तो ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ का फूल हमें बहुत बढ़िया लग रहा है। कोशिश करना आप लोग भी कि कभी इधर आना तो यहाँ का गुलाब पौधे वगैरह हमें खरीद कर ले जाना और घर पर लगा कर देखना कि कैसे मतलब यहाँ के पेड़ पौधे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ कर दिखाते हैं आपको। ये कौन से फूल भैया? ये है पिटोनिया, गजनिया, और ये उधर प्लांट भी रखा है, शालविया है, इस बाग में गुलदावरी, उधर गेंदा है, जाफरी है, सामने बड़े बड़े डहलिया है। डहलिया है ना, और ये सब आउटडोर प्लांट है। ये यहीं पर लगते हैं? ये सब धूप वाली जगह पे लगते हैं जहाँ पे धूप आती है। हाँ, सनलाइट हो ना। चलिए, और ये आम वगैरह है, छोटे से कमरे में भी लग जाता है, फूल आ रहा है छोटे से। हाँ हाँ, वो आम का। और ये सब का क्या नाम? ये सब अजवाइन का प्लांट है, ये नींबू है। ये नींबू? हाँ, ये तो इसको तो मैं जानता हूँ, छोटे से उसमें नींबू आ रहा है। और ये अडेनियम है, एलोवेरा है। हाँ, ये तो एलोवेरा है। ये एलोवेरा का ज़्यादातर हम देखे हैं कि बहुत जगहों पर यूज होता है ना, टिकाव है, काफ़ी ताज़ा ताज़ा और सही सही दिख रहा है एलोवेरा। ये इंडोर प्लांट्स। कौन सा इंडोर प्लांट्स? ये सब इंडोर प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन प्लांट आगे रखे हैं। कौन कौन सा? ये पाइट्रा क्रोटन है, डिफन है, एरिका पाम है। हाँ, और ऑक्सीजन प्लांट कौन सा है? इसी को ऑक्सीजन प्लांट बोलते हैं। इसको ये सस्ते होते हैं, अच्छे होते हैं, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है क्या? चलिए, और ये सब? ये पनसठिया प्लांट है। हाँ, ये बड़े फूल की गुलदावरी है। हाँ, बड़े पत्ते का मनी प्लांट है। हाँ, ये सब इंडोर के लिए सब। चलिए, और उधर उस साइड में भी देखा फूल में, ये गमले। चलिए, ये गमले कितने कितने का है? मेन बात ये बताइए थोड़ा, इसको मतलब ये क्या चीज़ है? ये सब जो ये सब सकुलेंट्स हैं, इसको लक्ष्मी कमल, विष्णु कमल, ये सब बोलते हैं। ये सब इधर नहीं पाए जाते क्या? ये सब नैनीताल से आते हैं, नैनीताल ठंडी एरिया में होते हैं, ठंड में ज़्यादा मिलते हैं। और इस फूल का क्या नाम है? ये गुलदावरी है, टहनी टूट गई है तो उसको हमने छोटे से गमले में लगा दिया जिससे ये फूल खिल जाएगा। ओके, ये बड़े बड़े गमले में लगते हैं ना? हाँ, बड़े गमले में। तो उधर वो आपको जो दिखाया वहाँ पर, तो ये इसको लगाने का प्रोसेस क्या होता है? इसमें पानी डालते हैं, एक हफ्ते 10 दिन में एक बार लगा के रखते हैं। और वो क्या चीज़ है? ये सब गमले। ये तो वो है क्या? कैक्टस है। कैक्टस वो। और ये तो हो गया, ये भी एलोवेरा है या छोटा छोटा एलोवेरा? ये एलोवेरा नहीं, जेब्रा प्लांट। ये वाइट मनी प्लांट है। ये वाइट मनी, ये गोल्डन। और ये सारे गमले? ये सब गमले हैं, 10 रुपए से स्टार्ट है। ये 10 रुपए, ये 20 रुपए, फिर जैसे जैसे लो 10 रुपए से स्टार्ट होके, मतलब छोटा पौधा है तो उसके लिए छोटा गमला, छोटा गमला, और ज़्यादा बड़ा है मतलब साइज में छोटा है और बाद में जाकर बड़ा होगा तो इसके लिए बड़ा बड़ा गमला रखा हुआ है ना।
और ये सब गमला आप तो आप लोग देख सकते हो। और काफ़ी अच्छा है, मुझे यहाँ पर आके लगा, भैया का बात व्यवहार भी सही है। और आप लोग जब भी इधर आना, तो मैं आप लोगों को रिक्वायरमेंट यही करूँगा कि आप लोग आना तो इधर ज़रूर जो है कि पौधा पेड़ वगैरह हमेशा यहीं से लेना, मैं यही कहूँगा। क्योंकि क्या होता है कि सामान तो आप लोगों को हर जगह मिलेगा, लेकिन जो कल्चर, जो वातावरण है, जो इधर का इन्वायरमेंट है, और सबसे बड़ी बात कि मुझे यहाँ ये लगा कि भैया का जो है कि नेचर बहुत बढ़िया है, बात बहुत अच्छे से करते हैं। और तो पैसे आप लोग उधर भी देना है, पैसा इधर भी देना है, इससे अच्छा हम लोग इधर ही आकर ले क्या। और इधर क्या चीज़ है, छोटे से गमले में भी लग जाता है। अभी छोटा पे ही आप लोग देख सकते हो कि ये अमरूद इसमें फर चुका है, और इसके बाद जो है कि ये बड़ा होगा तो और ज़्यादा फर गया ना भैया। और ये सब क्या है, बटन बेल वगैरह है, इसको क्या बोलते हैं, इसको ये भी कैक्टस है। और ये सब ये बटन बेल वगैरह, ये बटन बेल, चलिए ये आप लोगों को हमने दिखा दिया। अब आते हैं इसके प्राइस पर, बारी बारी से हम प्राइस पर आएंगे, और प्राइस पर आने के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसा किसका प्राइस है। और ये सब दिखा दिया आपको, ये भी ये सब क्या है, वो सब मनी प्लांट की कटिंग। ये सब कटिंग अभी छोटा छोटा है ना, ये सब सीमेंटेड गमले हैं, बड़े भी छोटे भी हर टाइप है। हाँ ओके, तो ये आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मैं यहाँ आकर मतलब एक अच्छा सा लग रहा है। क्या होता है कि लोग जो शौकीन होते हैं पेड़ पौधों का, जो अपना लगाना चाहते हैं कि हमें लगाना है, अपना शोभा बढ़ाना है और घरों में लगाने का है, तो आप लोग यहाँ आकर के देख सकते हो, एक से एक पेड़ पौधे हैं। मैंने देखा था कभी कभार, बट देखा नहीं था किसका क्या नाम है, कौन सा पौधा है, कैसा होता है, ये मुझे जानकारी नहीं था, बट आज जानकारी हो गया तो हमें काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी हद तक बढ़िया लगा। तो चलिए अब चलते हैं और आते हैं प्राइस पे, कैसा प्राइस है किसका, और जानते हैं, जानने के बाद आपको बताते हैं, कंफर्म करते हैं कौन सा कितने प्राइस में मिलता है। तो चलिए अब हम अपन प्राइस से शुरू करते हैं, कौन सा किसका किस कैसा प्राइस है, तो भैया बताएंगे। ये वाला पौधा कितना प्राइस है, प्लांट जो है 40 रुपये का है। हाँ, सालविया है 40 की, एक गेंदा है वो 20-20 रुपये में है। हाँ, ये सब जितना भी सीजनल प्लांट है ये 30 रुपये 40 रुपये में। तो आप लोग देख सकते हो कि ये जितने भी प्लांट्स है ये 30 से 40 के बीच में मिलेंगे, मतलब 30 से 40 रुपये में। और ये कितने बताए थे, 40 रुपये। तो काफ़ी अच्छे से प्लांट्स है और काफ़ी सस्ते सस्ते हैं और बढ़िया हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरा यहाँ घर नहीं है तो मैं भी ले ही जाता, बट आप लोग जितने आसपास के आप लोग देखना और देखकर कोशिश करना कि आने का कोशिश करना कि यहाँ पर आप लोग आएँ और यहाँ से पौधा वगैरह ख़रीदें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का प्राइस जानते हैं। ये सब कितने का है, ये इंग्लिश रोज़ है 120 का है, कुछ 150 रुपये में है, कुछ 120 रुपये में। ये छोटा वाला जो है 120 का है ना जी, 120 रुपये का। बटन गुलाब है, गुच्छे में फूला, इसी का और छोटा। और ये वाइट वाला, ये सब 120 वाले, ये जो आप लोग वाइट देख सकते हो 120 का है, ये गुच्छे में है सब 120 का। ये वाला मोटे फूल का गुलाब है जो गुलदस्ते में लगाते हैं, ये कितने का है, ये भी 120 का है। ये भी मतलब जितना है उतना, 120 से एक से लेकर के कितने तक है, 150 तक है, और 50 का भी है, वो 40 रुपये का भी है, देसी गुलाब। ओके सही है, बढ़िया बढ़िया। ये येलो भी होता है क्या, मैं तो आज देख रहा हूँ, ये सब वाइट देखा था मैंने, और एक ब्लैक गुलाब भी होता है, ब्लैक कलर नहीं है, एक ब्लैक कलर का। चलिए काफ़ी सही है, हमें तो यहाँ पर बहुत बढ़िया लगा, हमने आज तक कितने फूलों का वैराइटीज़ है आज देखा, तो आप लोग ये देख सकते हो। और मैं यहाँ का एड्रेस डाल दूँगा, आप लोग जब भी इधर आना तो यहाँ से परचेज करना, काफ़ी भैया सही दामों पर देंगे। इधर प्राइस देखा, फूलों का अलग अलग प्राइस है। अब आते हैं बड़े बड़े फूलों पर, और ये सब क्या है, ये डेंथस है 30 रुपये का, डेंथस 30 रुपये का, सीजनल प्लांट है। ओके, और ये सब, ये सब इंडोर प्लांट है, इंडोर प्लांट 70 रुपये से लेके जैसा प्लांट लो, ये जैसे है ये 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये, ऐसे ही है, जैसा आप लोग लेंगे वैसा प्राइस है ना। वो बड़े बड़े एरिका पाम है 150 रुपये के हैं, छोटा भी आता है 100 रुपये का भी आता है। ओके, अभी फ़िलहाल हमारे पास 150 वाला है। सही है,
और उधर चलते हैं, अब आगे आपको दिखाते हैं उसका प्राइस भी कितने कितने का है। ये क्या चीज़ है? ये फूल है, सीजनल फूल है। ये सीजनल फूल। अब आते हैं यहाँ पर प्राइस। ये 50 रुपये से लेके ये 50-50 के हैं, ये 100-100 वाले हैं सब। ये 100-100 वाले हैं ना? ये सब 100 वाले हैं, वो छोटा सा 50 रुपये का सकुलेंट। ओके, और ये सब सारे चीज? ये इसमें से कुछ एक दो हैं जो वो 120-130 के हैं या 150 के हैं, बाकी सब ये 100 रुपये से लेके 50 रुपये 100 रुपये। और गमलों का तो प्राइस आपने बता ही दिया, एक बार काले वाले 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे 10 रुपये से स्टार्टिंग है। इधर भी 25 रुपये से स्टार्टिंग होके फिर जैसे जैसे गमले बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्राइस बढ़ता जाएगा ना। ये सारे प्लास्टिक के हैं और उसके बाद सीमेंट का भी है, तरीके के डिजाइनर है सीमेंट के भी हैं। सीमेंट के वो सामने लगे हैं, वो 50 रुपये से 40 रुपये से स्टार्ट है, फिर जैसा भी। ओके, सही है। यहाँ आ करके काफ़ी कुछ हमें जो पेड़ पौधे मैंने देखा नहीं था आज देखा, काफ़ी अच्छा लगा। और इससे भी अच्छा मुझे भैया का व्यवहार लगा। एक बार मैंने बोला कि भैया मुझे आपको जो है कि यहाँ का इंट्रो करा दो, मतलब बता दो पेड़ पौधे के बारे में। भैया का अपना गार्डन है, ये देखभाल करते हैं और काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ का रिस्पॉन्स रहा। तो आप लोग जब भी इधर आना तो मैं आप लोगों को एड्रेस और यहाँ का पता आप लोगों को बता दूँगा, और आप लोग आ करके कभी भी यहाँ पर परचेज कर सकते हो। तो कोशिश करना आप लोग ज़रूर आने के लिए। तो चलिए भैया से फेस टू फेस थोड़ा बात कर लेते हैं। भैया आपको कैसा लगा यहाँ पर, मतलब हमको बता करके कि अच्छा लगा ना? अच्छा लगा। क्योंकि पता है क्या कि और जगहों पर आप जाओगे या कहीं पर भी लोग कतराते हैं कि क्या हो गया यार बता करके। ऐसा नहीं है, ऐसे क्या होता है कि बिजनेस, अब ये एक तरफ बिजनेस ही है, जब आप बताओगे दुनिया जानेगी, आसपास के लोग ही आपको जानते हैं, ठीक है। और ऐसे इंटरव्यू अगर आप बताएंगे जब तो आपको पूरे लोग जानेंगे आसपास से बढ़ करके, क्योंकि ये जो है ना एक सोशल मीडिया है, तो इससे आपको हर जगह के लोग जानेंगे कि हाँ भाई यहाँ पर ये चीज़ें मिलते हैं, ये चीज़ें हम यहाँ पर सर्व करते हैं, बेचते हैं। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर हर एक चीज़ लोगों को अवेलेबल करा सकते हो। तो मैं भैया से यहाँ का एड्रेस पता ले लूँगा, और लेने के बाद जो कि इनका अगर नंबर देंगे तो ठीक है, मैं अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं अपने पास से इनका नंबर वगैरह दे दूंगा, एड्रेस पता यहाँ का भेज दूंगा। आप लोग जो भी पेड़ पौधा यहाँ से लेना चाहते हैं, जो भी मनी प्लांट्स वगैरह हो गए, तो आप लोग यहाँ से काफ़ी अच्छे दाम पर और अच्छे क्वालिटी का अवेलेबल करा देंगे भैया, करा देंगे ना? हाँ हाँ भैया, यहाँ पर तो बहुत सस्ता मिलता है हर चीज़, और अच्छी चीज़ मिलती है। ये नहीं है कि कैसा भी है, नया आता है नया बिक जाता है, बिल्कुल फ्रेश मिलेगा और सस्ता मिलेगा आधे रेटों पर अन्य। चलिए भैया से बात करके, हमारी खुद की है तो हम सस्ता बेचते हैं, ये नहीं है कि किसी और का काम है, हमारा खुद का है, हम सस्ता बेचते हैं, कम कमाते हैं ज़्यादा बेचते हैं। और हमारे यहाँ का पता भी पुराना पालम रोड है, निशान पार्क है, प्लॉट नंबर 16 है, प्लॉट नंबर 16। मोबाइल नंबर हमारा 9315695171। ओके, थैंक यू आपसे। भैया ने अपना एड्रेस भी दे दिया, और देने के बाद यहाँ का एड्रेस बता दिया और मोबाइल नंबर भी दे दिया। तो आप लोग जितने भी आस पड़ोस के हो, जितने भी प्लांट्स खरीदना है लेना है, तो आप लोग, मैं रिक्वायरमेंट यही करूँगा कि आप लोग यहाँ पर आकर लेना। काफ़ी अच्छा, देखो क्या होता है कि आप लोग सामान तो कहीं से ले लोगे, लेकिन एक होता है ना कि नेचर स्वभाव के लोग अच्छे होते हैं। थैंक यू भैया, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा। तो भैया को कहीं जाना था, भैया से मैंने अपना टाइम मांगा, थैंक यू आपका कीमती टाइम देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप
तो दोस्तों हमने फाइनली यहाँ का ब्लॉग शूट कर लिया, तो अब हम चलते हैं। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप लोग जरूर बताइएगा कैसा आप लोगों को लगा यहाँ पर हमारा जो है भैया के साथ इंटरव्यू। तो चलते हैं, बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।